कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाली इंग्लिश के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों आपका स्वागत है एडवांस इंग्लिश बाय राजेश्वर शर्मा में। फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा वीडियो है जो कि हम जिसमें हम पोस्ट वाइज कट ऑफ बताएंगे कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इससे पहले जो वीडियो आया उसमें हमने देखा इनकम टैक्स एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड एएसओ इन सीएसएस के लिए कि उसमें कितनी कितनी हमारी कट ऑफ जाने की आशंका है। और आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कट ऑफ फॉर सेंट्रल एक्साइज सीबीआई एंड ऑडिटर। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड्स हम इसकी पूरी एक टेबल बनाते हैं और फिर समझते हैं कि इस साल अपनी इन तीनों पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपका स्वागत है एडवांस इंग्लिश में। फ्रेंड्स जिससे पहले हम कट ऑफ देखें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आज मैंने एक वीडियो देखा जो अपने जो लॉयर हैं जिन्होंने एक पीआईएल डाली थी सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर प्रशांत भूषण का, उन्होंने ये बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब जो उनकी पीआईएल है वो एक्चुअली फाइल हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और डीओपीटी के सेक्रेटरी को कि वो विद इन 6 वीक्स या कहें कि 2 मंथ्स के अंदर अपनी वो रिपोर्ट दें, वो सारी रिपोर्ट दें जिसके अगेंस्ट में पीआईएल डाली गई है। और उस पीआईएल में जो है वो यही है कि जो पूरा सिस्टम है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का इंडिया में, ये खुद प्रशांत भूषण जी ने कहा कि जो भी सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब है और चीटिंग होती है। और उन्होंने बार बार सिफी का नाम लिया कि अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो एसएससी है वो एग्ज़ाम का जो टेंडर है वो आउटसोर्स कर देती है और उसके बाद सिफी उस फर्दर उसको आउटसोर्स कर देता है और रैंडम कंप्यूटर एग्जामिनेशन सेंटर्स में हमारा एग्जाम दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि जो पूरा सिस्टम है एग्जामिनेशन का ऑनलाइन का ये काफ़ी ख़राब है और बहुत ही ईजी है कि अगर सिफी वाले किसी को चीटिंग करवाना चाहें। तो उन्होंने पूरी बात कही, साथ ही उन्होंने ये कहा जब उस रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने जो अपनी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है उसके बारे में आपको कितना पता है उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि जो ग्रेजुएट लेवल की एग्जामिनेशन है मतलब 2017 सीजीएल मेंस उसकी स्क्रूटनी के लिए ही सीबीआई काम कर रही है। और उन्होंने ये बोला कि उनके नोटिस में अब तक नहीं आया है कि सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर कर ली हो। सीबीआई अभी प्रीलिमिनरी जांच कर रही है, वो एविडेंस इकट्ठा कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी तक सीबीआई ने अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं करी है और ये प्रशांत भूषण जी ने खुद ने कहा और जो उन्होंने पीएल डाली थी और उन्होंने बताया कि विद इन 6 वीक्स और 2 मंथ्स कोई ना कोई चीज़ निकल के आ जाएगी और डिपार्टमेंट्स को जो ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और डीओपीटी है इनको ये लिख के भेजना पड़ेगा कि अगर चीटिंग हो रही है तो क्यों हो रही है या बच्चे चीटिंग कैसे कर पाते हैं, जो भी लीकेज है या जो भी कमी है पूरे सिस्टम में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का उसके बारे में उनको जवाब मांगना है। ओके फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं हमारी कट ऑफ। फ्रेंड्स ये मैंने 3 पोस्ट के लिए लिया है एक्साइज सीबीआई एंड ऑडिटर। पहले हम इनकी वैकेंसीज देख लेते हैं इन पांचों ईयर्स के अंदर। 2013 में वैकेंसीज 15,000 प्लस थी, 14 में 15,000 प्लस वैकेंसीज थी, 15 के थोड़ी कम हो गई थी 8,000 प्लस वैकेंसीज थी और 2016 में वैकेंसीज वर 10,500 के आसपास और अभी 8,000 है। और मैंने ये वैकेंसीज जो 8,000 वैकेंसीज है, लेट मी टेक अनदर पेन, जो ये 8,000 वैकेंसीज है मैंने इसको ये बताया है आपको कि ये 2,500 और इसमें ऐड होंगी, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आप प्लीज ये देख लेना दैट हाउ द इंक्रीमेंट ऑफ दिस नंबर ऑफ वैकेंसी इज जस्टिफाइड और वो कितना बढ़ सकता है। ओके फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारा एक्साइज। आप एक चीज देखिए सेंट्रल एक्साइज में लास्ट ईयर 855 सीटें थी और इस बार 1311 सीटें हैं, मतलब कम से कम 450 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है। फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा किसी भी सीट की कट ऑफ इस बात पर डिपेंड करती है, दो बातों पर डिपेंड करती है, पहला तो ये कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, दूसरा कितने बच्चे उन सीट्स को पाना चाहते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा भीड़ लगती है इनकम टैक्स के अंदर और एग्जामिनर के अंदर क्योंकि वो बहुत अच्छी सीट्स मानी जाती हैं पोस्ट, बट एक्साइज भी कम नहीं है। एक्साइज इज अ लाइफ सेवर। थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूं कि एक्साइज में थोड़ा जो दिक्कत बताते हैं वो है थोड़ा प्रमोशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट प्रमोटेड, तो लोग थोड़ा इसको कम चूज करते हैं। दे वुड रादर गो फॉर ऑडिटर। अगर देखिए ये एक ट्रिक है एग्जामिनेशन में, मान लीजिए कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं
कि आपको एक्साइज मिलेगा चेन्नई के अंदर, ठीक है, और आप बिलोंग करते हैं हरियाणा से, दिल्ली से या राजस्थान से मिलकर। ओके, अब आपको दिखता है कि मैं एक्साइज लेने के लिए चेन्नई जाऊं, उसके बजाय लोग ऑडिटर भर देते हैं, ठीक है, सो दैट एटलीस्ट दे कैन गेट देयर होम स्टेट और द नेबरिंग स्टेट, ठीक है, एंड देन फॉर द नेक्स्ट ईयर दे अगेन स्टडी, बिकॉज आप देख ही रहे हैं एसएससी पोस्टिंग दे नहीं रहा है, बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, दो इट इज अ बैड थिंग कि वो पोस्टिंग नहीं दे रहा है, बट इसका फायदा बच्चे ये उठाते हैं कि वो पढ़ लेते हैं और बच्चे करें भी क्या, दे आर हेल्पलेस। ओके, तो आप देखते हैं एक्साइज की, 13 में थी 496 जनरल कैटेगरी के लिए, 485 थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी बढ़ती है 2015 में, और फिर यहाँ पे ये 40 नंबर्स का इंक्रीज आता है 2016 के अंदर, ठीक है, जबकि सीट सिर्फ 855 सीट्स थी, इतनी बढ़ जाती है। ओबीसी के लिए 476, 10 नंबर कम जाती है, फिर 10 नंबर बढ़ती है, और वापस से अब देखिए 24 नंबर यहाँ पे प्लस 29 नंबर यहाँ पे 353, जनरल की कट ऑफ बढ़ती है 40 नंबर से 39 एंड एग्जैक्ट देखें तो 43 मार्क्स से यस ये बढ़ती है, और ये बढ़ती है 53 नंबर से। देखिए ये 10 नंबर ज्यादा है, यहाँ पे ये 10 नंबर कम है, बट ये खुद के साल से ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ के कंपैरिजन में 10 नंबर कम है, ये 539 है, ये 529 है, बट ओबीसी की कट ऑफ खुद के कंपैरिजन में 53 नंबर्स इंक्रीज हुई है और जनरल की 43 नंबर्स इंक्रीज हुई है। तो आप देख लीजिए कि कितना इंपैक्ट पड़ता है, और एससी के अंदर 428 थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी बढ़ती है, और फिर अगेन ये इंक्रीज होती है, इसको अगर आप 490 माने तो ये 55 नंबर्स का वापस से इंक्रीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। जनरल के लिए 43 का इंक्रीज है एक्साइज के अंदर, बट बाकी सब कैटेगरी के लिए अराउंड 55 to 50 नंबर्स का इंक्रीज है। एसटी की देखें 418 थी, 3 नंबर कम होती है, 9 नंबर बढ़ जाती है, और फिर से देख लीजिए इसको 425 मानिए और इसको मानिए 480, तो ये उतना ही 55 नंबर का आपका इंक्रीज दिखा देगा। तो देखिए ये इतना है, हालांकि यहां से इसमें 10 नंबर कम है और फिर यहां से और कम है और यहां से और कम है, बट जो खुद की रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो ईयरली 2015 से 2016 के तक बढ़ गई थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम कुछ चीज और नोटिस करते हैं। देखिए 2017 के अंदर सीट्स है कम से कम 450 ज्यादा, और ये और बढ़ सकती है, वैसे तो ये मैक्सिमम सीट्स मान के चले, एक्साइज में इसके अलावा सीट्स नहीं है, बट फिर भी आप देखिए कॉम्पिटिशन टफ हुआ। और कल जब मैंने कट ऑफ निकाली थी इनकम टैक्स के एग्जामिनर की, तो मैंने जनरल कैटेगरी कट ऑफ को 25 नंबर से डिक्रीज किया था, 25 से ही किया था, इन द बेस्ट केस सिनेरियो कि ठीक है यार कि अगर कोई चीटिंग हो जाती है या कोई और फैक्टर्स जो कि इसमें बीच में आ जाते हैं तो। बट आप देखिए एक्साइज के लिए इट विल एक्चुअली गो डाउन 30 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, क्योंकि आप देखिए कि सीट्स कितनी ज्यादा है, या तो इसमें सीट्स हैं या फिर अपनी CBECTA में सीट्स हैं, उसमें कम से कम 1700 सीट्स हैं, तो उसके बाद नंबर टू भी यही आता है, तो अगर 30 नंबर्स डिक्रीज करें तो ये जाएगा 509, दिस कैन गो फॉर जनरल कैटेगरी, 30 to 35 नंबर्स आप ओबीसी और बाकी कैटेगरीज के लिए डिक्रीज कर सकते हैं, दिस इज ओनली फॉर एक्साइज, ठीक है, ये गारंटी, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हम इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिक्रीज कर रहे हैं वो दूसरी पोस्ट भी लागू हो, बिकॉज इट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और लोग कितना इसको लेना चाहते हैं। तो अगर बच्चे इस कॉलम में अगर ज्यादा बच्चे आएंगे तो आप मान के चलिएगा कि बच्चे इसी के लिए सब कुछ भरेंगे, सीबीआई एक्साइज एंड ऑडिटर, क्योंकि या तो बच्चा टीए की तरफ रहेगा या जाएगा इनकम टैक्स की तरफ, पर मेजोरिटी बच्चे हमेशा बीच में ज्यादा रहते हैं, तो वो बच्चे यहां तक पहुंचना चाहते हैं जिनको पता है कि हम लगभग 10 से 15 नंबर से पीछे रहेंगे मेन कॉम्पिटिशन में, तो हम इसके लिए फाइट करते हैं, तो इस उस फाइट के कारण कट ऑफ हो सकता है 25 पे आ जाए, बट अभी हम मान के चलिए कि 30 नंबर कम जा रही है क्योंकि सीट ज्यादा है, ठीक है, और पेपर काफी टफ आया था और 5 to 7 नंबर प्री में डिक्रीज हो चुका है, और कम से कम 20 नंबर आप मान के चलिए इंडिविजुअल एक्साइज कट ऑफ पर डिफरेंस पड़ेगा आपके मेंस के पेपर का, स्पेशली मैथ्स, ठीक है, तो ये 509 आती है आपकी। फ्रेंड्स आइए अब हम बाकी का देखते हैं, यहां पे हमने देखा कि 509 हम मानते हैं -30 पर, ठीक है, क्योंकि देखिए सीट्स काफी ज्यादा है, सेम गोज विद ओबीसी, 496 माना है मैंने 33 नंबर्स के डिक्रीज के बाद ओनली फॉर एक्साइज, ठीक है, ये जो ट्रेंड है ये हो सकता है बाकी नीचे फॉलो ना हो। फिर आता है 456 पे आपका 32 मार्क्स डिक्रीज करने के बाद एससी कैटेगरी के अंदर,
और एसटी का आता है आपका 450 मार्क्स 33 आपके नंबर डिक्रीज करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक आपको चांसेस हैं 509, 496, 456 एंड 450 चारों कैटेगरीज में 2017 के अंदर आप एक्साइज ले सकते हैं इतने नंबर्स पे, ये प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं सीबीआई। फ्रेंड्स, सीबीआई एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, करप्शन फ्री जॉब है और इसके अंदर आपको बहुत सारे फायदे हैं बट कुछ नुकसान है कि आपका वर्क जो है वो काफी हेक्टिक रहता है। इफ यू गेट अ फील्ड जॉब तो आपका ट्रांसफर आपको कहीं भी भेज सकते हैं। इट इज नॉट वेरी इजी टू डू दिस जॉब। इसमें 8 महीने की ट्रेनिंग भी होती है गाजियाबाद के अंदर, उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग मिलती है, आपको अलग अलग आपको कई जगह आपको रेड्स डालनी होती हैं और आपको आपके केसेस जो होते हैं कोर्ट के अंदर वो खुद संभालने पड़ते हैं। आपको आपको बहुत सारे थानों के अंदर लेके जाया जाता है। आपको बहुत अच्छा मतलब इसके अंदर एक्सपोजर मिलता है लाइफ का, बहुत एडवेंचरस जॉब है बट थोड़ा इसमें रिस्क रहता है। जो इसकी सैलरी है वो काफी अच्छी है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी में 496 थी कट ऑफ, 2014 के अंदर ये इंक्रीज हुई, थोड़ी सी इंक्रीज होती है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट इक्वल रहती है 2015 में, उसके बाद ये 2016 के अंदर लगभग 40 मार्क्स इंक्रीज होती है जनरल के लिए। देखिए, लास्ट ईयर 117 सीट्स थी जनरल के अंदर, सॉरी आई मीन टू से 117 सीट्स थी कंप्लीट सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए, और इस बार 54 सीट्स ही हैं, तो ये आधे से लगभग आधी हो गई है सीट्स, ठीक है। तो इसका इसी कट ऑफ पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। वैसे तो देखिए, लोग कट ऑफ इसकी जब सीट्स कम होती हैं उसके बाद भी जो इसकी कट ऑफ है वो कम जाती है, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह से, क्योंकि लोग इसको कम लेना चाहते हैं, तो ये प्रेफरेंस पे नहीं रहती। ओनली अब पीपल विद पर्टिकुलर माइंडसेट आर ओके विद डूइंग अ जॉब लाइक सीबीआई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखें हम ओबीसी में, तो 474 है, फिर 469 थोड़ी सी कम होती है, फिर थोड़ी सी बढ़ती है और फिर यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। अब देख लीजिए 22 नंबर यहाँ से और 28 नंबर यहाँ से, ठीक है, तो ये पूरा पूरा आपके 50 मार्क्स इंक्रीज हो गए। देखिए फ्रेंड्स, आप कैटेगरी के अंदर तो हर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से इस साल 50 मार्क्स इंक्रीज हुई है और जनरल की 40 मार्क्स इंक्रीज हुई है, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ये 15 नंबर का डिफरेंस है। ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 15 नंबर कम है जनरल कैटेगरी से और ये तो फिर काफी कम है, 28 प्लस 12 तो ये 40 नंबर कम आपकी हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे देख लीजिए आप। अब देखिए, जो एसटी की कट ऑफ है 413 थी, एक नंबर इंक्रीज होता है इसके अंदर, फिर ये 5 नंबर मार्क्स इंक्रीज होता है और अब देखिए ये 420 ये वही 50 मार्क्स तक ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए, क्योंकि 54 सीट्स ही हैं तो मैंने इसको इतना ऑप्टिमिस्टिकली नहीं माना है कि इसमें कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ये 543 है और ये 539 है, तो आप देखिए कि इन दोनों की कट ऑफ में डिफरेंस है, इसकी सीट्स ज्यादा है, इसकी सीट्स कम है, तो इन दोनों की कट ऑफ का आपस की सीट से इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बस खुद की कट ऑफ पे पड़ता है। ये 54 है तो मैंने सिर्फ 25 नंबर कम करी है, जो कट ऑफ है जनरल की उसको मैंने सिर्फ 25 नंबर कम किया है 518, मैंने ओबीसी में 27 कम किया है 501, मैंने एससी में 27 नंबर कम किया है 461 और एसटी में मैंने 30 नंबर कम किया है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा एस्पेक्ट रहता है इसके अंदर, इस वाली कैटेगरी के अंदर, तो 443, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चार हमारी कट ऑफ बनती है सीबीआई की, 518, 501, 461 और 443, 443, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं ऑडिटर कैग के अंदर, इसके अंदर जनरल में अब देखिए 424 इसमें कट ऑफ गई थी, फिर 426 है, दो नंबर का इंक्रीज होता है, फिर चार नंबर का इंक्रीज होता है, फिर देखिए 106 मार्क्स का इंक्रीज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ओबीसी में 407, तीन नंबर का इंक्रीज, दो नंबर का इंक्रीज, ये कितना हो गया 114 नंबर का इंक्रीज, ठीक है। 364, तीन नंबर का इंक्रीज, एक नंबर का इंक्रीज, 116 का इसमें इंक्रीज होता है, सॉरी इसमें यहां पे लिखता हूं 116 का इंक्रीज होता है। एसटी में देखें 350 सेम है, एक नंबर का इंक्रीज है, अब देखिए 120 नंबर का इंक्रीज होता है। तो देख रहे हैं आप, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 2015 से 16 के अंदर इतनी कम इंक्रीज हुई है, बट अब देखिए ये यहाँ पे है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। अब देखिए कि जो नंबर ऑफ सीट्स है अपनी उसकी ऑर्डर की, उसके हिसाब से मैं सिर्फ 25 नंबर ही डिक्रीज करा है, तो ये 511 पे आ जाती है,
ठीक है। और मैंने जो अपनी ओबीसी कैटेगरी के लिए मैंने 496 डिग्रीज की है, मैं इन सब में 30 नंबर्स का डिग्रीज माना है, बस मैंने सीबीआई में थोड़ा सा मैं कम ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ क्योंकि सीबीआई की सीट्स काफी कम है और ऑडिटर में लगभग सेम सीट से रहेंगी। तो आप देखिए आप देख लीजिए कि 511 पे है, ये 454 है और ये 441 है। अब देखिए ये 511 है, ये 518 है और ये 509 है। तो अगर आप 420 देखिए 520 511 जनरली अगर आप देखें तो 511 है अपनी ऑडिटर की, 518 जा रही है सीबीआई की और 509 जा रही है अपनी एक्साइज की, ठीक है। अगर आप इसमें 5 to 6 नंबर्स का प्लस माइनस कर लेते हैं और अगर आप 525 नंबर्स ले आते हैं फाइनली मिला के, तो आप इन तीनों पोस्ट में एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इसमें देखिए 518 में आप 7 नंबर मिलाएंगे मैक्सिमम, तो 525 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम मान के चल रहे हैं कि इसमें इतना इंक्रीज होगा। अब देख लीजिए आप 525 नंबर अगर आप लेकर आते हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए डेड श्योर, आप बिल्कुल सेफ है इन तीनों पोस्ट के लिए। वैसे अगर आप निकाला चाहे ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 496 है, 501 है और वापस 496 है। तो अगर आप 510 पे हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए सेफ हैं। अब देखिए एससी के लिए 456, 461 और 454, ठीक है। तो आप इसके अंदर 465 मान के चलिए अगर आप इतने नंबर लेकर आ रहे हैं, या 470 मान लीजिए इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आप इसी तरीके से आप एसटी वाले का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम एक वीडियो और निकालेंगे जिसके अंदर हम टीए की कट ऑफ को देखेंगे, क्योंकि वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग इस बार टीए बने, और क्योंकि उसकी काफी सारी सीट्स हैं तो उसकी कट ऑफ काफी कम जाने के चांसेस हैं। विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। आप जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा हेक्टिक और थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, बट आई गेस यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड इफ यू सी द कंप्लीट वीडियो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।